बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीज़ है, मैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाही नगर में रहता हूँ और मोइनबाग में मैं बच्ची दिया था। मेरे दामद का नाम आमिर है और वो लोग रात में मेरी बच्ची को मार दिए और वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, ज़मीन दे बोल के तो ज़मीन भी देते बोले, रजिस्ट्रियाँ खुलते रजिस्ट्री कराते बोले, नोटरी बच्ची के नाम पे कर भी दिया हमें, फिर भी वैसे ही कर रहे वो लोग। ज़मीन आप दिए थे जायज में? हाँ, 100 गज की ज़मीन दिया था हमें, तो फिर वैसी हरकत कर रहे हो लोग। शादी होके 2.5 साल हुआ, बच्चे हैं उनको? बच्चे नहीं हैं। शादी होके 2.5 साल हुआ और बीच में 1 साल पहले भी ऐसी सताए करे तो बिठा लिया था मैं घर में, फिर आके कंप्लेन करे थे, जब भी कंप्लेन करे बातचीत करे फिर उसके बाद में आके फिर बातचीत कर लेंगे, छोड़ के आए, छोड़ दिए बाद फिर अच्छी थे, फिर उसके बाद में फिर शुरू कर दिए तो रजिस्ट्रियाँ खुलती कराते बोल के बोले, बोले बाद भी फिर वही हरकत करे। हूँ मेरी बच्ची के साथ हुआ, आगे दूसरी किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना, बहुत जुल्म हो जा रहा है, ऐसा बहुत गलत है। आप इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देना। अकबर साहब, अवैसी सब, असद साहब, पूरे जनों को बोल रहा हूँ मैं, तेलंगाना की केटीआर साहब को, सबको अपील कर रहा हूँ मैं, मेरी बच्ची का मेरे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए आप लोग। हाँ, कंप्लेन कर रहा हूँ, संतोष नगर पी एस, संतोष नगर पी एस जी, अरेस्ट करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद बिन बदर है, ये हमारी खलेरी बहन होना जो इंतकाल हुआ सो, बहुत टॉर्चर कर रहे थे ऑनलाइन को, टॉर्चर करके जो सो मार दिए रात में हमारी बहन को, 1 साल पहले भी ऐसे जुल्म करे थे, ज़मीन का झगड़ा था, ज़मीन दे बोले तो ज़मीन दिए, नाम पे भी कर दिए थे नोटरी बच्चे के, कल रात में जो सो वो मार दिए बच्ची को, ये हमारी बहन के ससुराल वाले मार दिए बच्ची को, अपोलो में छोड़ के भाग गए लगा, हम लोग गए तक 3:30 को रात में गए तक अपोलो से बच्ची को छोड़ के भाग गए। हमारी खाला फ़ोन करे हमारे को रात में, मैं यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रहता हूँ, उनकी सास फ़ोन करे हमारे खालू को, इन लगा चले गए मिलना जाके, हमारे को फ़ोन करा तो हम गए तक जो सर कोई भी नहीं थे, मौता थी खाली दवाखाने में, वहाँ से फिर संतोष नगर पी एस गए, हमला जाके कंप्लेंट दिए वहाँ पर, फिर साहब आए आके जो सर डेड बॉडी जो सर उस्मानिया को भेजे, फिर हमारे भेजे बाद जो सर वो करे थोड़ा हमारे साथ, पुलिस भी अच्छा रिस्पॉन्स करी, हमारा जो सो तेलंगाना हुकूमत से ये वो है कि सख्त से सख्त सजा होना इन लोगों को, आज हमारे साथ हुआ कल दूसरों के साथ नहीं होना साहब, ये अकबर साहब, असद साहब, जितने भी हमारे लोग हैं सब जो सो हमारी मदद करना, हमारे साथ इंसाफ दिलाना साहब इन लोगों।